फटाफट नहीं पड़ा लो तार ब्याह कौन बोलो मैं जो बदमाश मैं कहीं गया। इंटरेस्टिंग बात है कि राहुल का माता पिता सामान्य किसान जो ही लोग कहीं रेखा का मान कुछ लिखड़ो है लेकिन देखो भाई हाथ ही जगह रेखा रेखा मिट रही घर आता है मारे मम्मी जी आंसू निकाल रही है तू खटे छोड़े बिन्नरिया छोड़े और बिया छोड़े हो राम 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 बेटा मौत करो ना बेटा मौत करो ना बेटो काम तो करे को नहीं दो पी संगो यार लोन लिया 7 लाख को केकरे रही तेरे ब्याह पूरी वेब सीरीज देखने के लिए डाउनलोड करें स्टेज ऐप। नमस्कार साथियों महेंद्र पथी देख रहे हो झलको सीकर झलको सीकर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप पहुंचे हाँ मुंडली गांव में अठा का राहुल अभी एक बड़ो कारनामो करे है और जोधपुर एम्स में सिलेक्ट हुए ही एमबीबीएस करेगा अभी। दादी जी राम 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 बेटा मौत करो ना बेटा मौत करो ना मतलब थान तो मन लागे बीमार बीमार तो वो नहीं उम्र बढ़ गई थी थोड़ी घनी तो मारी सब बदगी सब बदगी के सब बदगी मैं तो ये देख ले एक तो को डॉक्टर एक मास्टर सुनजो पोता मारा बहुतों का बहुत पोता मारा तो नन्ही था जो बात राहुल के बारे में कैसे हो राहुल बदमाश हो को नहीं छोटो हो जना ओ कहीं तो नो बदमाश को नहीं बदमाश को नहीं हो बदमाश तो मारे ही है कोई पोती पोता है को नहीं बदमाश तो दादी है जना पोती पोता हो बात हो तो बाप बेटी बेटा भी जाए थे सुनो मैं तो शेणा भाई कौन को मैं तो ये बात ही खुला पर बदमाश कौन तो ठेठ कोई कौन अब डॉक्टर बन गो जना मतलब है सुई सही लगा सी जना सही है के लगा लेने दे पीड़ तो बड़ी हो सी हूं अरे पीड़ गई काल मार तो देख कर तो थे दांत कर ली मारी पोतो दांत कर ली अरे वाह भाई दादी दांत मार तो जीव सोरो को आप तो कोई मतलब डॉक्टर डॉक्टर की जरूरत कौन रहे कदे पानी ले राहुल को ले ओ मारा बेटा पोता का ले लू लू क्यों को नहीं को ये थोड़ी से भाई थंग नहीं ले लू आंख नहीं ले लू बको नहीं पण मार तो जीव तेरा डॉक्टर बक दो अलग ही हुए है भाई हां एकदम मार तो जीव शोर होगो बहुत शोर होयो बोलो तन देखे बहुत शोर होगो तुम्हारा भैया मारे भाई पोती अरे वो बीननी अरे वो बडोड़ो भाई गया था फकन शिकर जा रहा है शिकर का शिकर बिल्कुल शिकर जा रहा है दादी अन बटेक बठा को शिकर को कलेक्टर ने सम्मानित करया ने पुरस्कार दिया बटेक नहीं नहीं दे क्यों को नहीं बच्चा ये दे लो पोता कहीं से चीज से अरे आप तो की सेवा वर्त और उम्र थारी भी बढ़ गई 5-7 साल अरे मैं तो हाल 5 वर्ष को मरू 5 वर्ष तो मत हो कौन दूंगा मारो ये कह दादी जी बढ़िया तो जीव सोरो को सुने उन डाला में सोचती मैं और मैं बीमार हो रही ओ मन बारे को निकल बाती पेशाब करा करा नाक तो और बार भी आये काल आता तो पानी करे और लगा साबन नुआ एक तो लियो हरियो साबन एक लियो दोड़ो साबन माँ थारी आशीष और मारी आशीष मिल ली तो भगवान दे दी कह चांद सूरज भाई रे जना बाकी रे का न्यार न्यार रे तो सुन चांद को उजालो तो मैं रात फिरा और सूरज का मैं रात फिरा सूरज को शायद जोर को से क्यों और चांद को मर समझा पर नहीं है क्यों दिन क्यों कदा आपके कर्म की रेखा थे बांटेड़ी कौन से ए तो माँ बाप पाल दे रेख थे तो भगवान ही भेज लो बिल्कुल दादी। तो को तो मार तो बोलो भाई छोड़ो मारो की खानु चाहोगा सबसे पहले तो मैं ताको धन्यवाद करवो चाहू की थे अठाया मैं मारो नाम छे राहुल ताकर और मारी ये बार नीट 2022 में रैंक छी 904 और नंबर छा 680 और कैटेगरी रैंक थी मारी 226 2 मतलब पहले कदम अठो निकाले हो कि हाँ नीट की तैयारी करनी है सोचो कि ये रैंक वैंक अति बढ़िया लिया होगा ना ना शुरू में तो कुछ भी ना कि शुरू में तो ये सोचो कि एक बार सिलेक्शन हो जाए बस कोई कॉलेज मिल जाए छोटी सी भी मिल जाए मतलब एक बार सिलेक्शन पार हो जाए मतलब नंबर आ जाए जितना सिलेक्शन में हो जाए बता ये सोचा फिक्र कमान है जदी बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट सी बच्चा दिख भ्रमित हो जाए कि कौन सा कोचिंग ज्वाइन करना है कौन सा इंस्टीट्यूट में जाना है जीसीएल ने मैं इसलिए चुनो की जीसीआई पर काफी लोगों को पहले भी विश्वास हो मैंने बताया भी कि हाँ बा बढ़िया कोचिंग बढ़िया है रिजल्ट भी बढ़िया दे हुए और सिलेक्शन भी बढ़िया हुआ है तो मैं बीम में गयो और गयो बाद में रियल में रियलाइज भी हो मन की हाँ बढ़िया कोचिंग है और बढ़िया लागे हो मतलब बटे तैयारी करियो तो और मतलब टेस्ट टाइम पर होता टेस्ट बढ़िया लागता और जीसीआई की आता मैं कहूँ चाहूंगी टेस्ट बहुत बढ़िया लागता जीसीआई का और जी कोई मन बहुत फायदा हो और नेट में भी कोई फायदा हो खूब क्वेश्चन भी मिला अभी मुँह मासू पर्सनली भी टच में रहता या बुढ़ानिया सर और हर चीज बताता रहता कि हाँ आ कमी जो यहाँ सुधारो इन यहाँ करो यहाँ करो बता एक बात ड्रॉबैक भी लेना पड़े
के कारण रही हो? ड्रॉबैक तो इसलिए लेना पड़ो कि मैं मतलब बड़े दो महीना कोचिंग में तैयारी करी, दो महीना में फिर कोरोना आगो, कोरोना बटे घर आगो तो घर थोड़ी डिस्टर्बेंस हो, दो महीना बैठे रुक यार, दो तीन महीना ठेरू क्या आना बराबर होगी। मतलब नीट में सिलेक्ट हुआ के लिए कम से कम एटलीस्ट कितना घंटा स्टडी होनी चाहिए? कम से कम कोचिंग में 5-6 घंटा की तो कोचिंग की तो है ही, और बाकी थे 4-5 घंटा मतलब दे देगा ना ढंग सू तो ठीक है। 4-5 घंटा यह नहीं कि मतलब किताब ले बैठ का 4-5 घंटा होगा पूरा। टाइम्स की क्वांटिटी मत गिनो, मतलब देखो कि मतलब कतो मतलब कंसंट्रेट कत्ती कर पा रहे हो थे 4-5 घंटा पूरी पढ़ रहे हो आराम से। बहुत इंपॉर्टेंट है फीडबैक, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनपुट जब तो डालो ना बताओ आउटपुट आना ही चाहिए, ये नहीं कि इनपुट तो 5 घंटा डाल दिया आउटपुट 1 घंटा कोई ना आ रहे हो है, भैया नहीं होना चाहिए, पढ़ाई तो पूरी करनी ही है। वो तो इंटरेस्टिंग बात है कि राहुल का माता पिता ही एकदम बिल्कुल सामान्य किसान जो ही भाई आप खेत का मान खड़े हैं, बहुत खूबसूरत पिछन खेत है। तो पहले पिताजी और माताजी था दोनों बहुत बहुत बधाई हो कि बेटो डॉक्टर बना दियो थे, इस तरीका से किसानी कर कर खेती थी सामने इसी खेती तो करी जाए, इसी माँ की मेहनत मजदूरी करे, हमारा 2 बच्चा है बड़ो मास्टर से सब थोड़ा सारो होना इन डॉक्टर बना पाई सोची, मैं आज भी खेती कर रहा लाइन पलटा रहा हूँ पलट भी आया मैं काम कर रहा हूँ खेती कर अभी बोल भाई काम कौन करवा ये बच्चा बाहर है कि हमें एक बार ये हो जाए कि यार मौत काम को नहीं भी मन करे राहुल दोनों बच्चा मेहनती सब मार दो वो भी स्कूल जा रहा था स्कूल जाओ बस करा बस खेती राहुल जब बारह डाल भाई कोशिश करी राहुल ने तो फिर मम्मी जी मतलब रोना धोना चालू कर दी कि ना मैं तो मेहनत को नहीं मेरे छोटे बेटा बेटा पढ़ने पढ़ा लो बाया भी पढ़ा दिया तर ब्याह कौन बोलो मैं बेटा इसको मौको दे मौके के बाद फिर बार पढ़ना पड़ लो इन भी आ जाए तो सही रहा अपनो मत तो चिंता अपना कर आ जा लो तू खटे पढ़ रही थी कटे पढ़ रही थी बात माता जी मतलब इंस्ट्रक्शन देता है कि माता जी की तरीके पढ़ना है कतो पढ़ना है। हाँ बहुत ज्यादा मतलब यहाँ मतलब भाई मार से ज्यादा तो पढ़ जाए यहाँ लागो जो मन तो यहाँ पढ़ जाए यहाँ पढ़ जाए मन तो नहीं ध्यान होने बतोया दे देता और कैसे कितनी पढ़ाई करी शायद ये बहुत सारे पूछने वाले होंगे। और अब परिवार कमान जो लोग हैं जगह का बच्चा पढ़ रही है बिल्कुल राहुल का एग्जाम्पल देसी अभी गाँव में डॉक्टर को करेज मतलब अब धीरे धीरे बढ़ रही हूँ की मैं तीसरा डॉक्टर हूँ की गाँव में डॉक्टर बनूंगा इसलिए मतलब काफी चाह है की हाँ मैं भी डॉक्टर बनू मैं भी डॉक्टर बनू इसलिए पूछा खूब पूछा है की मरकन आया भी है कोई मैसेज भी आया की कहीं तैयारी करी कहीं मतलब नंबर अत्ता नंबर क्या आया मा तो आओ कोई नहीं कोचिंग का भी है मेरे साथ का जेका मतलब मेरे साथ का है लेकिन बाको नंबर ना आयो फिर अब मन पूछे है की यार तू क्या चलोगे मतलब ये कोई है कोई स्टूडेंट की राहुल मतलब बचपन लगे कहने ट्रेक हूँ आउट ना हो जाए जिसके लिए कुछ मतलब गाइडेंस करनी पड़ी या फिर अपने आप ही? नहीं सर ये तो बचपन से ही तो छीन छेड़ जो तो छीन छेड़ जोगी बाकी कदी जुड़ती घूम पड़ी मैं जो बदमाश मैं कहीं गए मम्मी जी सही बोल रही है। हां सही बोलते है यार कदी में खियो कौन भाई उठ रहे पढ़ रहे तू आ भी उठ पढ़ ले तो आते ना स्कूल में तो बस कितने लाज मेल दे दो मतलब एक बहुत शौक की प्रेरणा थी मेरे लिए की भाई मारा बड़ो भाई भी मेहनत करियो है नौकरी लागो है और बड़ा भाई पर बाहर भी खूब छो जिम्मेदारियां भी खूब थी लिए मतलब वो भी एक मेरे लिए प्रेरणा ही और मैं बड़ा भाई ने आइडल मानू मेरे की बहुत बढ़िया है मारो बड़ो भाई। और सर ये कंटिन्यूटी है तीज है की आठ गाँव में सरकारी स्कूल में पढ़े 10वीं को रिकॉर्ड है एक भी दिन एबसेंट कौन करियो एक ही दिन मारा कोई एक परिवार में दादी खत्म होगी जी दाग में जाबा के लिए और एक भी छुट्टी कौन और कोचिंग में भी जाए कौन है एक भी छुट्टी कौन मारे सिस्टर की शादी जी तो वो केवल और केवल 2 दिन जी एक दिन तो शादी के पहले और दिन या शादी वाले दिन फिर दूसरे दिन उड़ता ही इन वापसी सीकर चलोगे और ये कहीं भी कौन जी भाई मैं भेजा या तू आ मत एक खुद का मन में जी भाई आपा वास्तव में अपन तैयारी करनी है जिक्र कर दिया मार्केट पहले की मैं छोड़ के आया फिर वापस आगा वो केस 10वीं सरकारी में पढ़ ली फिर बाद में भाई अपन कोई मारे स्टाफ में बोलिया कि भाई यहाँ सीकर में नीट की दी कोचिंग हो जाए ना मैं वो तो बोला मैथोमेटिक्स लिया ना मैं जबरदस्ती फिर बायोलॉजी दिला दी मैं अपन तो डॉक्टर ही बनू यार जान पापा जी और यार छोरन तू तो कोई गलत बजा दी और यहाँ बजा दी और लेकिन मैं यह मान लियो कि हालांकि बात बच्चा भी करनी नहीं चाहिए बयान की चीज पर मैं कर गिरी हुआ फिर बाद में इन शिकर का ले शिकर का आदर मैं तो शाम घर आयो घर आता ही मारे मम्मी जी आंसू निकाल रही तू खटे छोड़े भी नरिया छोड़े और बिया छोड़े हो फिर बाद में तो यहाँ मार बरियान को प्रेशर बना दियो फिर बाद एक भी फोन वो चलो मजबूत रहे लेकिन मारे मम्मी इन फोन करी और कमजोर कर दी फिर दूसरे दिन जा तो मैं इन वापसी लिए मैं चलो दिन बार ही बाद में भेजला
फिर बारी बाद में भी बड़े में शिकर में गयो बठियान को माहौल सो छोटा छोटा बच्चा या मान लो कि तंबाकू उत्पादन का शिकारों में ले जाए तो बिन देकर मारो या मन थोड़ा घबरायो। फिर बाद में सर मैं खुद ही बठियाऊ सागर है बाकी चाली तुम हमारे स्कूल में बठियाऊ अप डाउन कर दो और एक ही सागर ही हो ध्यान रखियो हालांकि मन कदे इन खबर जरूरत पड़ी उन्होंने मैं मन की शांति के लिए एक सागर ही हो और शुरू से ही मेरे को तो जीसीआई पे विश्वास था और फिर बाद में जीसीआई में डाला। और सर वो जीसीआई की एक खास बात यह है कि उसकी जो टेस्ट सीरीज है ना जो मान लो कि टेस्टों में नंबर आ रहे हैं ना उससे 10-20 नंबर आपके एग्जाम में फालतू आएंगे वो टेस्ट एक्चुअल मापन वहाँ तो इसके जैसे टाइम टू टाइम टेस्ट लगते थे तो हम मॉनिटर करते थे भाई इसमें इतनी आई इसमें इतनी आई। और मेरी मम्मी भी पूछती थी अब का तो तकम क्या गा मतलब टीचर आना ज्यादा तो वो लागत राहुल डर को लागत मम्मी को रोयो कमर आगे नहीं डर तो मम्मी को तो डर तो लागत लेकिन डर तो ज्यादा भैया को और पापा को यहाँ लागत की डर भी कौन लागत लेकिन यहाँ लागत की हाँ भाई एक ही आ जाए मतलब कुछ तो गलती करी है यहाँ अपना तो पढ़नू तो चाहिए मम्मी को भी यहाँ छोकी भाई मम्मी देख अति खेरी है पढ़नू तो पढ़े ही लोग पढ़ता हमारे जहाँ मम्मी पूछती कत्ता नंबर आया तो मैं कया बार एक बढ़िया नंबर भी आता तो भी मैं मम्मी नहीं कहती तो मम्मी अब तो 500 आए थे फिर और कहती वो पढ़तो को दी गो बठेर 500 ही क्या यार वो फिर मैं इन जुठानी फोन लगवा रही इन दो चार बता सुनवा देता हूँ फिर वो बाद में बता दो मत आए थे मारे फिर वो तो बता रही मम्मी रास्ते भी मैं मत तन का नंबर वो आ जाए शीर यार भैया के कैसे बड़ा भाई जो लोग देख रहे हैं कि आपका छोटा भाई इनकी त्रिकोण देखो सर बड़ा भाई को हमेशा यहाँ मान लो कि जिम्मेदारी रह जाएगी आपको छोटो भाई या बहना या माता पिता ने सब ने परिवार ने साथ के देर चले या नहीं कि आपका खुद सक्सेस होगा तो दूसरा को साथ छोड़ दिया और वही सर मार दो आपका हाथ देख सको हो लोग कहीं रेखा का मान कुछ लिख रहे है लेकिन देखो भाई हाथ ही जगह रेखा रेखा मिट रही मान फिंगर भी बने फिंगर बनाओ देख लो अब आज जो मेहनत है ना आज बिल्कुल राहुल और दोनों भाई के रूप कमाना फली भूल होती है स्टोरी ज्यादा ज्यादा शेयर करिए देखता रहो जल्को सीकर मिलागा नेक्स्ट वीडियो को।